नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप लक्ष्मण रेशन देख रहे हैं। जीता नाम मांझी क्या तेजस्वी यादव और महागठबंधन को अलविदा कह देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जीता नाम मांझी बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा है कि उनके कई अल्टीमेटम के बावजूद जो महागठबंधन है उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई। इन तमाम चीज़ों के बाद जीता नाम मांझी दिल्ली गए, दिल्ली में भी बहुत कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद पटना लौटे तो लौटते ही कोर कमेटी की बैठक बुलाई और इस बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय कुछ मिनटों के बाद लिया जाएगा। आपको बताएंगे जीता राम मांझी जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं। लगातार आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के पहले वो इस बात की बात कहते रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल तमाम जो दल हैं, मसलन RJD, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, RLSP और VIP पार्टी, इन तमाम पार्टियों की कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि हर फैसला उसी कमेटी के माध्यम से लिया जा सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ना तो कांग्रेस ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया और ना ही RJD इस पर बात करने को तैयार है। इन तमाम चीज़ों के बीच में जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा लगातार मीटिंग करते रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में जब एक के बाद एक वार्निंग दी जाती रही जीतन राम मांझी की तरफ से, बावजूद इसके उनकी बात जो है वो अनसुनी की जाती रही महागठबंधन में। आज जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें तमाम पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो मौजूद हैं और उनके साथ बड़ा फैसला लिए जाने की खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है जीतन राम मांझी महागठबंधन को तो अलविदा कहेंगे ही, क्या NDA की तरफ प्रपोजल भेजा जाए, क्या जीतन राम मांझी जदयू या फिर दूसरे जो सहयोगी हैं NDA के, क्या उनसे बातचीत करके उसमें शामिल हो, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है। छोड़ जाते हैं आपको जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में चल रही कोर कमेटी की बैठक के वीडियो के साथ। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ही गए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ सके और पार्टी भी हमारे महोदय लेंगे, हम लोग तमाम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब और यहाँ से हमारे देश पटेल साहब और यहाँ रणवीर बाबू हैं और बाकी सभी हम धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ इतना सम्मान मिले झुक करके भी पॉलिटिशियन को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ राजद का रवैया हम लोग देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ही गए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ सके और पार्टी भी हमारे महोदय लेंगे, हम लोग तमाम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब और यहाँ से हमारे देश पटेल साहब और यहाँ रणवीर बाबू हैं और बाकी सभी हम धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ इतना सम्मान मिले झुक करके भी पॉलिटिशियन को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ राजद का रवैया हम लोग देख ही रहे हैं। जितना अल्टीमेट